हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये एक सिलाई का धागा है जिससे हम स्टिचिंग वगैरह कपड़े पे करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी धागे से एक शेडेड एम्ब्रॉयडरी फ्लावर बनाने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहें। तो चलिए हम फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। तो हम फ्लावर के लीफ से शुरुआत करेंगे और वीडियो को आप ध्यान से देखें कि हम किस तरीके से इस लीफ की फिलिंग कर रहे हैं। और दोस्तों एक ख़ास बात ये होती है कि जब हम शेडेड वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमें थ्रेड सिलेक्शन हमें वो करनी आनी चाहिए, जैसे कि धागों का कलर कैसा लेना है और कैसे उसको मैच करना है। और इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख के सीख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने जो फिलिंग की है और बीच में हमने एक स्पेस रखा है, और वो स्पेस हमने इसलिए रखा है कि वहाँ पे हम एक अलग कलर के धागे को, यानी कि इसके जो कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट किए हैं उसको ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से इस लीफ को बनाने के लिए सबसे पहले इस धागे की जो मेन हमने डार्क कलर सेलेक्ट किए हैं उसको हम इसमें फिल कर रहे हैं। फिर जो इसके जो लाइट टोन के कलर हैं शेड वाले, इसको हम ऐड करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि शेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि शेडिंग क्या होता है कि एक नेचुरल बेस होता है और उसको बनाने के लिए आप तरह तरह के टेक्निक यूज़ करके आप शेड बना सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको शेडिंग वाले, जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेड से बनाया है हमने। इन पत्तियों में इस तरह के स्पेस छोड़ने का कोई ख़ास वजह नहीं होता, बस शेडिंग के लिए हमें इस तरह का स्पेस रखना होता है कि जैसे कि जब हम बाद में उस लाइट कलर को फिल करें तो वो ब्राइटनेस हमें मिले, जो कि एक शेड की तरह हमको दिखाई दे। तो इसी कलर से हम फ्लावर की डंडी को भी बना ले रहे हैं। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर ये शेडिंग का वर्क सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगी, आप उसको देखें। और उसमें हमने पूरे डिटेल में आप लोगों को समझाया है किस तरीके से हमें शेड वर्क करना चाहिए, तो वो वीडियो आपके लिए फर्स्ट लेसन हो सकता है। तो अब हम इसके लाइट शेड वाले जो कलर है उसको ऐड करने वाले हैं, देखिए इस तरीके से। और इसमें देखिए कैसे हम मर्ज कर रहे हैं और किस तरह से इसका नेचुरल शेड जैसा कलर फील होते जा रहा है। और इसके मर्ज करने के तरीके जो होते हैं, किस तरीके से आपको इसमें फ्रेम का मूव करवाना होता है, हाथ किस तरह से मूव करना है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताए हुए हैं, आप उसको पहले ज़रूर देखें, वरना आपकी जो फिलिंग टेक्निक है वो आप मिस कर देंगे और इस तरीके से आपका शेड बन के नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से आप चाहें तो भी इसको वाइब्रेट करके भी फील कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब तक एक दूसरे में इसको मर्ज नहीं करवाएंगे आप, तब तक ये निखर के सामने नहीं आने वाला। इसमें जो धागे की डायरेक्शन है आप उस पर ज़रूर ध्यान दें कि जो डायरेक्शन आपका पहले है उसी डायरेक्शन के साथ आपको दूसरे वाले कलर को भी मैच करवाना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने फ्लावर की पत्तियों को कंप्लीट कर लिया है और अब हम इस फ्लावर को फिल करने वाले हैं। और उसका जो कलर का जो धागा हमने लिया है, देखिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब हम इसको ऊपर से शुरू करते हैं। और दोस्तों आप वीडियो पे एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाईलाइट कर ले रहे हैं डिज़ाइन को, जहाँ जिस पेटल को हम फिल करने वाले हैं उनको हाईलाइट कर ले रहे हैं। दोस्तों इसको फिलिंग करने से पहले कुछ बातों को आप जान लें कि आप बहुत बार फिलिंग करते हैं स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे सीधे से फिल, कोई भी फ्लावर को आप सीधे सिंपली कर देते हैं, लेकिन आप जब इसको फिलिंग करेंगे तो इस तरीके से, देखिए हम फ्रेम को रोटेट कर रहे हैं हल्के हल्के से अप डाउन करके, इसको रोटेट करके हम फिल कर रहे हैं। और जो टाँके का डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम मर्ज करना है एक दूसरे के ऊपर,
जिससे कि ये फिलिंग जो होती है वो काफ़ी नेचुरल लगे और काफ़ी परफेक्ट आपको दिखने में भी इसका लुक आए। और देखिए किस तरह से हम रोटेट कर करके इसको फिल कर रहे हैं। और दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके काम को और बेहतर बना सकती है अगर आप इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो। और इसीलिए ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने इस चैनल के ज़रिए अपने जो बिगिनर्स व्यूअर हैं या जिस तरह के भी व्यूअर्स हैं उनको मैं कम से कम इतना तो बता सकूं जितना कि मैं जानता हूं। और मुझे ये भी पता है कि मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है और अपने काम में और भी बेहतर अपने काम को आपके सामने रखना है। तो इंसान की कभी भी कोई भी आर्ट की जो फिनिशिंग है या उस आर्ट का सिलसिला ज़िंदगी भर चलता है तो उसको ज़िंदगी भर सीखना ही रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना अच्छा कर पा रहा हूँ आप उससे भी अच्छा करें। तो दोस्तों इसी तरीके से पूरे फ्लावर को हम फिल कर लेंगे इस कलर के धागे से और जो बाकी जो जगह खाली आपको दिख रही है उसको हम इसके कॉम्बिनेशन कलर वाले थ्रेड से फिल करने वाले हैं। तो वीडियो के आगे बने रहें और देखें कि किस तरीके से ये शेड काफ़ी ब्यूटीफुल आपके सामने तैयार होने वाला है। और दोस्तों इसको हम सिलाई के थ्रेड से बना रहे हैं जो कि एक कॉटन थ्रेड होता है। और अगर आप इस फ्लावर को सिल्क थ्रेड यानी कि रेशम धागे से बनाएंगे तो ये काफ़ी और भी अच्छा लगने वाला है क्योंकि उस रेशम के धागे में एक अलग सी चमक होती है जो कि इस फ्लावर में एक अलग सी जान डाल देगी। और वैसे भी कई लोगों की मशीन में ये शिकायत रहेगी कि अगर कॉटन धागे से वो काम करना चाहेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक सेटिंग होती है जो अलग प्रॉपर तरीके से की जाती है। और ये जो स्प्रिंग लगा है इसके क्या मायने हैं और क्यों लगाए गए हैं ये सारी चीज़ों पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है रिसेंटली। तो स्प्रिंग के ऊपर तो जो वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखें आप अगर आप भी कॉटन थ्रेड का वर्क करना चाहते हैं तो। और अगर आप कॉटन के ऊपर किसी भी तरह का सवाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये फ्लावर हमने एक धागे का फिल कर लिया है, अब हम दूसरी धागे को इसमें ऐड करने वाले हैं। और देखिए किस तरीके से इसको फिलिंग करने से पहले हम इसको सिंगल जो ज़ीरो नंबर का स्टिच है उसको लेके इसके ऊपर तक पहले इसको एक बार पूरे राउंड में मार देंगे। और ये मारने का एक अलग टेक्निक है और ये जब कम्प्लीट होगा तब आपको समझ में आएगा। तो बस ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे आपको हर एक चीज़ सीखने और समझने को मिलती रहेंगी और अच्छे यूनिक डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें और इस तरह के और भी डिज़ाइन देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सिंगल ज़ीरो नंबर का स्टिच मारने के बाद अब हम इसको फिलिंग कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट आप देख लें कि कितना बेहतर तरीके से ये एक शेडिंग फ्लावर बन के तैयार हो रहा है। और इस तरीके से आप इसको मर्ज करवा के एक दूसरे से और एक शेड वर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करें जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो फिर हम ऐसे ज़ीरो नंबर से पूरे फ्लावर में जहाँ जहाँ बाकी है पहले इसको एक बार ज़ीरो नंबर का स्टिच पूरे पे घुमा लेंगे, उसके बाद इसको हम फिल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के रिज़ल्ट तक आप बने रहें और आखिरी मोमेंट क्या है वो काफ़ी ब्यूटीफुली आपको सामने नज़र आने वाला है। तो इस तरह के वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और आपको हमेशा इस तरह के डिज़ाइंस और एम्ब्रॉयडरी लर्निंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली कोई नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।